हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्विक एंड इजी और बहुत ही डिलीशियस मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी, ग्रिल्ड फिश इन लेमन एंड बटर सॉस। तो ये रेसिपी भी बहुत ही डिलीशियस है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं इसकी डिटेल रेसिपी। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ बासा फिश फिलेट्स, ये लगभग 300 ग्राम्स है। और अब इसे ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ओरिगेनोस के साथ हम कोट कर लेंगे। तो दोनों साइड इन मसालों को स्प्रिंकल करके हम अच्छे से कोट कर लेंगे और मिक्स करेंगे। जब दोनों साइड अच्छे से कोट हो जाएगी तो हम इस पे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा स्प्रिंकल करके इसे एक कोटिंग और दे देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम पैन में ग्रिल करेंगे। तो अब हमने यहाँ गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दिया है जिसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, जिसमें हमें फिश को ग्रिल करना है। तो ऑयल जब हल्की गर्म हो जाएगी तो इसमें हम एक टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्या होता है ना, जब इस पेस्ट को हम ऑयल में अच्छे से मिक्स करते हैं तो ये मिक्सचर बहुत ही अच्छे से ऑयल के साथ इन्फ्यूज़ हो जाती है और बहुत ही एरोमेटिक एंड बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाती है ऑयल। तो लगभग एक मिनट के बाद हम इसमें फिश फिलेट्स ऐड कर देंगे। फिश फिलेट्स ऐड करने के बाद लगभग इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो दोनों साइड्स को हम चेंज करते हुए, पलटते हुए इसे 10 से 15 मिनट ग्रिल करेंगे। सो आफ्टर 10 टू 12 मिनट्स देखिए कितनी अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं फिश। और अब हम इसकी सॉस प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून वाटर ऐड कर रही हूँ और इसमें एक लेमन जूस मिक्स कर दूंगी। वाटर में बॉईल आने के साथ ही इसमें हम 1-2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे फिश के साथ। गाइस, ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है जिंजर गार्लिक लेमन बटर एंड फिश की कॉम्बिनेशन की। और ये बहुत ही एरोमेटिक एंड बहुत ही फ्लेवरफुल खुशबू होती है, लाइक बहुत ही टेम्प्ट करती है आपको, लाइक अभी खा लूँ फिश इस तरह से। तो अब यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव या पार्सले लीव जो भी है आपके पास उसके साथ गार्निश कर दीजिए और इसे 1-2 मिनट के लिए पैन में अच्छे से सॉस के साथ मिला लीजिए ताकि बिल्कुल ही अच्छे से फिश में सॉस एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिश सर्व करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। पैन में बचे हुए लेमन बटर सॉस का वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें और इसे फिश के ऊपर पोर कर लें और अब इस डेलिकेसी का बिल्कुल आराम से एंजॉय करें।
होप करती हूँ गाइस आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई गई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।